वी अदर विक्टोरियंस। देखिए ये हैंड राइटिंग है विकास ट्रांसलेटर का, और अच्छे हैंड राइटिंग के कारण और सभी कार्य मेहनती भी था तो बहुत अच्छे रेलवे में एक क्लास वन जॉब में है, इसीलिए अच्छी नौकरी के लिए अच्छा हैंड राइटिंग होना बहुत बहुत ज़रूरी है। ये विकास का हैंड राइटिंग, तो टाइटल क्या है, वी अदर विक्टोरियंस। माइकल फॉकल्ट इज अ ग्रेट फ्रेंच फिलोसोफर एंड लिटरेरी क्रिटिक। He belongs to the 20th century. His famous works are Madness and Civilization, Discipline and Punishment, The Order of the Things and The History of Sexuality. ये important, The History of Sexuality, Sex पर ये इतिहास। We Are the Victorians is one of the four parts of the History of Sexuality. ये जो ऐसे हम लोग कर रहे हैं ये history of sexuality. वी आर द विक्टोरियंस, वी आर द विक्टोरियंस इससे लिया गया है, इस किताब से। वी आर द विक्टोरियंस इज वन ऑफ द फोर पार्ट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी। चार पार्ट है उसमें एक पार्ट जो है ना ये वाला, वी आर द विक्टोरियंस। द फोर पार्ट्स आर, चारों पार्ट का नाम दे देते हैं, द विल ऑफ नॉलेज, द यूज ऑफ प्लेजर, द केयर ऑफ सेल्फ एंड वी आर द विक्टोरियंस। सो ये सब इंट्रोडक्शन है। अब देखिए क्या है, वी आर द विक्टोरियंस मीन्स मॉडर्न विक्टोरियंस कहता, हम लोग पुराने विक्टोरियन नहीं है, हम लोग अलग हैं। वी अदर विक्टोर, हम लोग कुछ अलग विक्टोरियंस हैं, उसका अर्थ क्या हुआ, ये लोग मॉडर्न विक्टोरियंस हैं। दिस बुक इज़ बेस्ड ऑन डिप्रेशन ऑफ सेक्सुअलिटी, और ये किताब जो है ये चैप्टर खास करके किस पर आधारित है, तो सेक्स को हम लोग दाबे रहते हैं, छिपाए रहते हैं, तो इसी पर एक किताब है। ये ओल्ड विक्टोरियंस, उसका डेट ये दिया हुआ है, याद हो तो दीजिए, निर्मत दीजिए, ओल्ड पुराने विक्टोरियंस डिड नॉट टॉक अबाउट सेक्स। पुराने विक्टोरियंस लोग जो लोग थे वो सेक्स के बारे में बात नहीं करते थे। फॉर एग्जाम्पल वी मेंशन एमिली ब्रॉन्टे है, चार्ल्स डिकेंस है, थॉमस हार्डी है, और यहाँ पर थॉमस हार्डी, और यहाँ पर एंड के दे दीजिए, दे दे रहा बेटा, एंड जॉर्ज एलियट, सब नाम दे रहे हैं, सब पुराने विक्टोरियंस। ठीक है, तो ये लोग पुराने लोग सेक्स के बारे में बात नहीं करते। इन विदरिंग हाइट्स वी हैव हॉरिबल सीन्स ऑफ वायलेंस, एमिली ब्रॉन्टे के, तो वायलेंस मार काट ये सब बहुत, थप्पड़ मारा मारी बहुत चलते रहता है ये सब, बट देर इज नो इरोटिक सीन्स, मार काट है लेकिन सेक्स का सीन नहीं। इन अ टेल ऑफ टू सिटीज एन ओल्ड मैन किसेज यंग लूसी ऑन हर फोरहेड, और ये तो टेल ऑफ टू सिटीज चार्ल्स डिकेंस पुराने विक्टोरियन है, तो उसमें किसिंग सीन है, लेकिन एक बुढ़ा जो है, एक बूढ़ा आदमी है, एक जवान लड़की के माथा में चुमी लेता है, जैसे बाप बेटी को लेता है, तो इसमें देर इज नो किसिंग सीन ऑफ यंग पीपल। यंग पीपल जो सेक्सी होते हैं तो इरोटिक है, वो सब वो नहीं है। तो पुराने विक्टोरियन लोग सेक्स से बहुत बहुत परहेज करते थे, लिखते ही नहीं थे, उसको दबा के रखते थे, छिपा के रखते थे। अब देखिए अब क्या होता है, समय बदल गया। इन डी एच लॉरेंसेज लेडी चैटरलेस लवर सेक्स जम्प्स आउट ऑफ द बॉक्स, इसमें क्या होता है, सेक्स उछल निकल जाता है, छिपा जो दबा था कुचला हुआ था उसको उछल जाता है। देयर इज नेकेड डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्स, उस सेक्स का नंगा नंगा डिस्क्रिप्शन, उसमें क्या है, हम तो पढ़े हैं, हीरोइन नेकेड है, लवर नेकेड है, खुले घास में सेक्स कर रहे हैं। नॉवल वॉज शॉकिंग फॉर द ओल्ड विक्टोरियन, लेकिन ये नॉवल जो था पुराने विक्टोरियंस के लिए शॉकिंग था, और मॉडर्न एज में तो ये आम बात है, खुल के लोग लिखते हैं। द पब्लिशर्स एंड राइटर्स नैरोली एस्केप पनिशमेंट, और पुराने उसको इन लोगों को सजा भी मिल सकती थी, क्योंकि वो जज सब जो था पुराने विक्टोरियन विचार का था, पुराने विचार का था, लेकिन बाल बाल लोग बच गए और तो सजा नहीं दी। तब उसके बाद डी एच लॉरेंस की बात, तब सेक्स में फ्रीडम आने लगा। ठीक है, फॉकल्ट से सेक्स शुड बी लिबरेटिंग, और राइटर का क्या मानना है, सेक्स शुड बी उसको स्वतंत्र होना चाहिए, वी मस्ट बी मोर ओपन अबाउट आवर सेक्सुअलिटी, और सेक्स के बारे में हम लोग को खुला होना चाहिए, तो छिपाना नहीं चाहिए। यू शुड टॉक अबाउट इट, हम लोग उसके बारे में गप करना है, बातचीत करना चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए, यू शुड इंजॉय, उसका आनंद लेना चाहिए। अब पेज हम थ्री में आ गए, अब देखिए ये तो फॉकल्ट का राइटर का कहना है, लेकिन इट इज पेनफुल टू नोट दैट फॉकल्ट डाइड ऑफ एचआईवी, लेकिन ये दुख की बात है कि बेचारे ओपन सेक्स के बाद छूट जाते सेक्स में, इन बेचारे को क्या हो गया, एचआईवी हो गया, एड्स, भयंकर बीमारी जिसमें
छुआछूत की बीमारी है और बहुत दर्दनाक मौत होता है। ही वॉज द विक्टिम ऑफ हिज लूज सेक्स, शिकार के अपने लूज सेक्स, जहाँ तहाँ सेक्स करते रहते थे तो उसका शिकार हो, जहाँ तहाँ सेक्स करने में खतरा होता है ना, बहुत तरह की बीमारी हो जाती है। ग्रेट थिंकर है प्रीच द फिलोसफी ऑफ कंट्रोल, और महान जो चिंतक हैं राइटर सब हैं, ये लोग क्या सिखाए, कंट्रोल कंट्रोल करो कंट्रोल करो। देखिए दत्ता देखे दम दम यथा, कहाँ से तो वेस्ट एंड टी सी, तो दम यथा कमीन होता कंट्रोल कर, कंट्रोल ओवर ग्रीड लस्ट एंड वेल्थ, ग्रीड लोभ कर, लस्ट सेक्स को कंट्रोल करो, दूसरी लोभ मत करो धन पर, दूसरी दोनों। मैनी फिलोसफर्स हैव गिवन द मैसेज ऑफ सेलिब्रेसी, बहुत दार्शनिक जो है ना सेलिब्रेसी का संदेश दिया, सेलिब्रेसी का सेक्सुअल प्योरिटी, सेक्स को प्योर रखो, सेक्स इज हेल्दी एंड हेल्पिंग व्हेन कन्फाइंड टू अ मैरिड कपल। अब जब शादी हो जाती है तब तो हस्बैंड वाइफ सेक्स करते हैं, उसको तो समाज में स्वतंत्रता है, अच्छी बात है, वो पुण्य बात है, तो भी कहता है हस्बैंड वाइफ उसमें लिमिट रखना चाहिए, लेकिन छूट नहीं, जिसके साथ सेक्स करने लगे तब तो बीमारी हो जाएगी समाज में, बहुत कुरूति बीमारियाँ, बहुत तरह का गड़बड़ हो जाएगा फ्री सेक्स रहने से। ठीक है, बर्नर्ड शॉ इन कैनेडा मेंटेन द सैंक्टिटी ऑफ मैरिज, अब बर्नर्ड शॉ ये भी बहुत बड़ा राइटर, नोबेल प्राइज मिला, ये भी कैनेडा में क्या है ना पवित्रता, शादी की पवित्रता को निभाते हैं, इस कैनेडा पढ़िएगा। तो कंक्लूड में करना है, कंक्लूड, ऑकल्ट वॉज अ विक्टिम ऑफ हिज ओन फिलोसफी ऑफ लाइफ, बेचारा अपने शिकार हो गया, फ्री सेक्स किया और भोगने लगा, एज सेड अर्लियर ही डाइड ऑफ HIV, पहले जैसे ऊपर कहा गया है वो HIV से मारे गए। राइट एटीट्यूड इज नेसेसरी फॉर सक्सेस इन लाइफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, सही नज़रिया सही विचार रखना चाहिए जीवन को सफल बनाने, जीवन को जीवन में सफलता के लिए सही विचार जरूरी है। That's all, thank you.